पहुंचे हैं, इस परिवार को न्याय मिले, इंसाफ मिले और इसकी लड़ाई आज बिहार का हर तबका कर रहा है। ये जातीय संघर्ष नहीं है, इसको कुछ लोग जातीय रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, ब्राह्मण राजपूत की लड़ाई बता रहे हैं, लेकिन ये रावण सेना जो बनाकर और रावण की प्रवृत्ति समाज में फैलाना चाहते हैं, ये ऐसे लोगों के बीच है और अच्छे लोगों की लड़ाई है। ये पूरा परिवार फौज से जुड़ा है, देश की सेवा के लिए समर्पित रहने वाला परिवार है और बेवजह हत्या हुई है, ये नरसंहार है। बिहार में नरसंहार की शुरुआत हुई है, ये किसी तरीके से जायज नहीं है। हम लोग तो आशान्वित थे, पूरा बिहार और देश आशान्वित था कि शायद ऐसे राक्षसों की गाड़ियां पलटेगी और वो यमपुरी की ओर जाएंगे, लेकिन जिस तरह से उनको गिरफ्तार करके प्रदर्शित किया गया, ये आने वाले समय में समाज में और भय का वातावरण बनाएंगे, ये जेल से निकल जाएंगे और फिर वही कार्य करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार का इकबाल बुलंद होता यदि सरकार इस तरह का कार्य करती, लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, और मैं मांग करता हूँ पूरी टीम की तरफ से, ये मांग है कि जितने लोग इन्वॉल्व हैं, प्रवीण झा, विकास झा, यहाँ के DSP, यहाँ के जो थानेदार हैं, SSP, सबका जो कॉल डिटेल है वो सार्वजनिक किया जाए। और आज इस परिवार में संजय जी जो 5 महीने पहले जिनको बेवजह एक SC ST एक्ट के तहत जेल भेजा गया था, आज वो रिहा होकर आए हैं, पूरे परिवार के साथ संपूर्ण बिहार और देश की सहानुभूति है। इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, हर सूरत में इस परिवार को इंसाफ दिलाया जाएगा। आपके ऊपर कुछ घोषणा किए हैं, क्या घोषणा की? ये पहले से हम लोग सोच रखे थे कि शायद ये अच्छा कार्य होगा, और जो यदि कोई पुलिस वाला, कोई वीर पुलिस वाला ये अच्छा कार्य कर देगा, ये ऐसे लोगों का, ऐसे राक्षसों का वध करेगा, एनकाउंटर करेगा, तो उसको 5 लाख रुपए का पुरस्कार हम लोग देंगे अपनी तरफ।